بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فتح السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته والصلاة والسلام على نبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين الذين إذا ذهب الله عنهم الرس أهل البيت يطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون बारगाह परवरदिगार में दस में दुआ हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे इस कलील इबादत को जो नाचीज है एक अजीम इबादत की शक्ल में अपने दरगाह उलूहियत में कबूल व मकबूल फरमाएँ और हमें ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में शामिल करके अपने आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के रिकाब में उनके साथ जिहाद करने वालों में से हमें शामिल करें। सबसे पहले अपने बुजुर्गवारान असादीदे गराम से कस्बे इजाज़त के साथ और लग्जिशों और गलतियों में बख्शिश के साथ मौदूए अरबईन पर चंद कलिमात बतौर इस्लाह आपके सामने रखना चाहता हूँ बाय इजाज़े इंशाल्लाह कि आपके महजर मुबारक में जसारत ना हो। एक बार फिर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा
सरनामे कलाम में एक आयत बतौर तबर्रुकन इस मौजू से शायद कि पूरी गुफ्तगू से ज़्यादा ताल्लुक भी न रखे, लेकिन लफ्ज़ अरबईन के खातिर मैंने तबर्रुकन तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। उससे पहले मुकद्दमतन मैं दो चार इन बातों की तरफ रोशनी डालना चाहता हूँ कि ज़ियारत अरबईन क्या चीज़ है। अय्याम अरबईन के होने के नाते बंदे नाचीज़ की कोशिश यही है कि हर मुनासिबत के ऊपर हर सुखरनान हम जैसे तालिबे इल्म अगर उसी दिन में ही तमरीन करने की कोशिश करे तो शायद बाद में हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। ये अल्फाज एक ज़खीरे की शक्ल में हमारे जहनों में बाकी रहेगा और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि लफ्ज़ अरबईन और ज़ियारत अरबईन के ऊपर चंद जुमले आपके महज़र के सामने इसलाह के लिए रख कर आपके ज़हमत को तमाम करूँ। अरबईन ज़ियारत अरबईन के हवाले से इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, अहमियत का हामिल है और सवाब का भी हामिल है, लेकिन इसका बुनियाद कब से रहा है? ज़ियारत अरबईन का की जो बुनियाद है वो उसके अंदर दो अक़वाल बहुत मशहूर हैं। पहला कौल ये कि 20 सफ़र को मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनके अस्हाब बावफा की शहादत के बाद 20 सफ़र को हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी करबला गए और मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद उनके कब्र अथहर पर बातबदारी की। पहली रवायत ये है, उसी के साथ कहते हैं इसी रवायत का दूसरे शिर की इसी दौरान उसरा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम या कि मदीना पहुंच गए हैं या इनकी असारत से रिहाई मिलने के बाद मदीने की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये पहली रवायत है जिसको शेख मुफीद और उस जमाने के उलमा मानते थे। और दूसरी जो रिवायत है वो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी करबला गए हैं इमाम हुसैन की शहादत के बाद और उसी दौरान जब वो मरकद मौला इमाम हुसैन पर मातमदारी करते थे तो अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम भी करबला पहुंच गए हैं। ये दूसरी रिवायत है जिसको सैयद इब्न ताऊस अलैहिर्रहम ने अपने मक्तल लहूफ में गालिबन अगर किताब का नाम इश्तबा न करूँ बयान कर चुके हैं। अलबत्ता अगर नक़्द बर्रसी की नज़र में अपने तालिबे इल्माना निगाह से देखने की कोशिश करें तो इन दोनों रिवायतों में से पहली रिवायत हमारे उकूल और जहनों के साथ ज़्यादा जचती है और महक्कीन ने भी इसको ज़्यादा तो अहमियत दी है। जैसे कि हमारे असर के जो उलमा हैं उनमें से मशहूर महक्किक को तारीख़दान हज़रत अल्लामा शहीद मुतहरी ने इस बाद वाली रवायत जिसमें हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी और अहले बैत पाक बाहम करबला जाने वाली रवायत को मर्दूद करार दिया है। अब्बास कुम्मी जो तारीख़दान थे और एक बहुत बड़ी किताब जो उन्होंने लिखी है उन्होंने भी इसको बईद करार दिया है, लेकिन मशहूर जो रिवायत है वो पहली वो रवायत थी जिसमें अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम या उस असारत से रिहाई मिल गई है या मदीना पहुंच गए हैं। ये बात यहाँ तक होने के बाद मैं और आपके दरमियान असल बहस जो है आया अरबईन के दिन की अहमियत ज़ियारत इमाम हुसैन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी या अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम ने 40वें दिन में जाकर इमाम की ज़ियारत करने की वजह से ये रिवायत हो गई है कि जिसकी अहमियत इतनी बढ़ गई है या कोई और वजह थी जिसकी वजह से ये अरबईन हमारे दरमियान बरगुजार होने लगा है। इसमें दो नुक्ते निगाह से हम दे सकते हैं, अगर अरबईन को यहां से शुरू करना चाहे तो शायद इस अरबईन की इतनी बड़ी फजीलत नहीं हो सकती है, बल्कि अरबईन को उस निगाह से देखा जाए कि ये 40वें दिन अपने ही अंदर एक फजीलत और तकद्दस रखता था जिसकी वजह से जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी या अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम इस दिन को मुंतखब करके करबला मौला पहुंच गए हैं। इस
इसकी अपनी फजीलत है। अब इस फजीलत को रोशन करने की अगर कोशिश करें तो कम इल्मी के साथ कुरान मजीद के अंदर इसके कई मवारिद मौजूद हैं, जिनमें से दो या चार शायद मेरे याददाश्त के मुताबिक अगर मेरी सकत हो तो आपको बयान करूं, जिनमें से पहला जो सूरह बकरे की आयत नंबर 51 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ वअअदना मूसा 40 लैलतन ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, जब हमने वादा लिया मूसा से कि 40 दिनों तक कोह तूर पर इबादत करें, तो क्या हुआ, इबादत पर जब गए तो उसके बाद बनी इसराइल ने गौसाले को यानी बछड़े को अपना माबूद करार दिया। ये पहला कलिमा है जो कुरान मजीद के अंदर अरबईन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ज्यादा इसकी तफसीर की तरफ नहीं जाना चाहता हूं। दूसरा कलिमा जो अरबईन का इस्तेमाल हुआ है, बात इसी बनी इसराइल के वाक़े के अंदर इस्तेमाल हुआ है, सूरह आराफ के 141वीं आयत के अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ वअअदना मूसा 30 लैलतन वतममनाहा बिअशर फतम मीकातु रब्बिही 40 लैला। कहा परवरदिगार आलम ने, हमने मूसा से वादा लिया 30 दिनों का, फिर उसके ऊपर इजाफा किया, इतमाम करार दिया उनको, फिर हो गए 40 दिन। ये यहां तक मूसा अलैहिस्सलाम के इन उसके अंदर वाकयात के अंदर आया है। और उसके बाद भी खुद बनी इसराइल के सर पीछे जो नाफरमानी हजरत मूसा के हिदायत के ऊपर करते थे, उस बारे में कुरान मजीद के अंदर फिर से अरबईन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो कहां पर, सूरह माईदा के आयत नंबर 26 में फिर से यही आयत आई है, फइन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना यतीहून फिल अर्दी फला तअसा अलल कौमिल फासिकीन। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं कि ये अर्ज़ मुकद्दस उस कौम के ऊपर ममनू करार दिया गया 40 सालों तक। ये लफ्ज 40-40 हर जगह आता है, यह बयान करना चाहता हूं कि यह अरबईन क्या चीज है। और इसकी भी तफसीर ज्यादा शायद जरूरत भी ना हो कि बनी इसराइल 40 सालों तक उस बियावान में बेगाना फिरते रहे, ये सजा थी उनकी, अर्ज मुकद्दस को उनके लिए ममनू करार दिया गया। और उसके बाद कुरान मजीद के अंदर, बल्कि उसके अलावा कुरान मजीद से हटके भी इंसान के जिंदगी के अंदर देखा जाए तो इंसान की जिंदगी एक हद तकामुल तक रुश्त और उनके अकूल के तकवियत होने के लिए ये 40 साल बहुत अहमियत रखते हैं। इंसान उस वक्त अपने अकूल और जिस्मानी तौर पर कभी हो सकता है जब वो मुद्दत 40 साल को पूरा करेगा, जिसकी मिसाल रिवायत के अंदर मौजूद है। तमाम अनबिया न कि बल्कि बेशतर अनबिया को 40 साल होने के बाद मबूस करार दिया गया था। परवरदिगार आलम ने खुद हमारे नबी को जब उनके मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम में, मैं चाह रहा था रिवायत बाद में रसूल का और बात इमाम अली का रुतबतन बयान करूं, लेकिन जबान पे आया तो कहना चाह रहा हूं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मजलूम थे उस जमाने में। लोगों ने उनसे कहा कि या इमाम, आप मुआविया के उस जुल्म और सितम के मुकाबले में क्यों बुलंद नहीं होते हैं कि हम जिहाद करें। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, ली उस्वतुन फी रसूलिल्लाह, मेरे लिए रसूल मेरे जल्लाह के उसवे में एक मेरे लिए उसवा है। वो क्या थी, इरशाद फरमाया मेरे जद ने उस वक्त तक तबलीग आलमी को शुरू नहीं किया जब तक उनके साथ अफराद 40 पूरे नहीं हुए थे।
अब यहां से मौला इमाम हसन की मजलूमियत भी जाहिर होती है। कहते हैं जब तक मेरे पास ये 40 नफर भी कामिलन मेरे एतबा मिन्नान के जरिए से एतबा वाले ना मिले तो मैं इस जहाद के लिए कयाम नहीं कर सकता। यहां पर दो नुकते हैं, कयाम अफराद चहल नफर की अहमियत, हमारे नबी के आलैनी तबलीग के लिए भी चहल की आदत, ये यहां पर दो हैसियत से हमारे लिए ये तेदाद अहमियत के हामिल है। उसके अलावा कुरान मजीद के अंदर खुद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान कब कामिल हो जाता है, सूरह अहकाब की आयत नंबर 15 में, 15वीं आयत सूरह अहकाब में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसानन وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَتْهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ। मेरा मतलब सिर्फ यहां पर कि 40 سنة परवरदिगार आलम ने स्टेप्स को बयान करने लगा है, अव्वल से लेके इंसान कहां होते थे, कहां चला गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पूरी डिटेल से नहीं बयान करना चाहता हूं। वह बला सनतन, जब पहुंच गए 40वें साल तक, तो वो रुश्द तकामुल तक जब पहुंच गए तो कहा परवरदिगार मुझे अता करे वो तौफीक कि जिसके जरिए से तूने जो नेमतें नाजिल की है उनका शुक्राना अदा करूं। अब तक कामिल नहीं था, जब कामिल हुआ तो शुक्राने की दरख्वास्त की बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पर अरबईन का, अरबईन की जो अहमियत शुरू होती है, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बर मोहम्मद वाले उनके लिसान मुबारक से भी एक हदीस आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि 40 की क्या अहमियत है। अबू ज़र गफ़ारी को मोमिन की आज़मत और उनकी निशानियाँ और उनकी अहमियत बयान करते हुए मैं और प्यारे रसूल, मैं और आपके प्यारे रसूल अबू ज़र से तब होके इरशाद फरमाते हैं, या अब إن الأرض لتطوي على المؤمن إذا مات 40 صباحا। ए अबू ज़र, मोमिन एक ऐसा शख्स है जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो ये जमीन उनके ऊपर 40 दिनों तक बुका करती रहती है। मोमिन की अहमियत बयान करते हुए कहते हैं कि अब यहां से शायद की अरबईन की अहमियत बयान करने के लिए या जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी या अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम जब करबला गए हैं 40वीं दिन की, कुछ मुहक्किकीन का है यह नजरिया है कि इस हदीस को बुनियाद रख के चले गए हैं मोमिन के ऊपर। दूसरे मोमिन के लिए भी, हम और आपके माशरे में भी 40वीं की जो ये जो दिन मजलिस रखने की जो इनका जो रस्म है, ये भी इसी वजह से है कि परवरदिगार आलम के खुशनूद रसूल ने इस तरह इरशाद फरमाया था कि मोमिन की अहमियत ये है कि जमीन उसकी 40वीं दिन तक उसके लिए बुका करती रहती है। मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम दुरूद पढ़े उनके ज़ात अक़दस पर, उनके अक़वाल भी अरबईन का लफ्ज बहुत पाया जाता है जिसमें से अहमियत अरबईन और इबादत के हवाले से जो मौलाए कायनात ने बयान किया है वो एक नबी के लिए, आम इंसान के लिए नहीं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने यह इरशाद फरमाया था जब परवरदिगार आलम की तरफ से दाऊद को वही हो गई कि ए दाऊद आप एक बहुत बेहतरीन इंसान हैं, इन्नका निअमल अब्दु लौला इन्नका
تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا. پروردگار عالم نے ارشاد کیا حضرت داؤد سے کہ اے داؤد تم اس وقت بہترین انسان ہوتے تھے جب آپ بیت المال سے نہ کھایا کرتے بلکہ اپنے امرار معاش کو اپنے ہاتھ سے کماتے تو ایک بہترین عبد ہوتے تھے. اس کے اندر بہت سارے اخلاق خلوص اور انسان کے معنویت کے نقطے ہیں. انسان پروردگار عالم کے نزدیک اس وقت مقرب ہوتا ہے جب اپنا تکیہ کسی اور کے اوپر نہیں لگا دیتا ہے, امرار معاش اپنے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے. میں اور آپ کے لیے بہت مہم ہے, ایک طالب علم ہونے کے ناطے امرار معاش ہمارے لیے بہت سخت ہے, لیکن اس کے لیے محنت تو ضروری ہے. ایک پیغمبر خدا مقرب ہونے کے لیے اس کی اہمیت ہے, تو میں اور آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو کیا ہوا, مولا کائنات اربعین کا لفظ ابھی نہیں آیا اس واقعے میں. مولا کائنات فرماتے ہیں جب یہ وحی ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام گئے اور 40 راتیں ایسے قطار بکا کیا کہ پروردگار عالم نے آہنگری کے مقدمات ان کے لیے فراہم کیے. وہ آہنگری لوہار کے مقدمات فراہم کیے جس کے ذریعے سے حضرت داؤد کیسے دولت مند ہو گئے. ایک دن میں ایک زیرہ بنا کے تیار کرتے تھے حضرت داؤد. اس زمانے میں 1000 درہم کا ایک زیرہ بکتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک سال تک 360 زرے بنائے اور 360 زرے 1000 کے ساتھ جب ضرب دے کر کہا آپ نے اس کی قیمت نکال دیں, شاید آج عام اور آپ کے طالب علمی کے عقول سے بالا تر ایک مبلغ بن جائے گی. پروردگار عالم نے اس 40 دنوں کی برکت عبادت کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عطا کیا. یہ اربعین کا لفظ اس زمانے سے ہے جب پیغمبر خدا, بلکہ حضرت داؤد تو پیغمبر خدا سے بھی پہلے کا نبی ہے, اس زمانے سے اس اربعین کی اہمیت و فضیلت موجود ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. شاید آپ کے سماعت مبارک کے شاید زیادہ مزاحم نہ ہوں, بس اربعین کی مناسبت سے یہ مقدمہ تھا کہ ہم اربعین کو کیوں مناتے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے. اب اصل موضوع جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں شاید 3 سے 4 منٹ کے اندر, کہ اربعین کے اندر اس کی بنیاد کب رہی اور کیوں رہی, یہ ایک قابل غور نقطہ ہے کہ زیارت اربعین تو شہادت امام حسین کے 40ویں دن سے شروع ہو گئی تھی, اور یہ جو رسم فرہنگ کی شکل میں کہاں سے آ گیا, امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جہاں علوم آل محمد کے تمام تر ترویجات کو آسمان تک عروج مل گیا, اسی زمانے میں اسی فرہنگ کو بھی بنیاد رکھنے کے خاطر میں اور آپ کے مولا امام صادق علیہ السلام نے اس اربعین کی زیارت کو ایک متن کی شکل میں قالب دیا, اور ہم اور آپ کے درمیان اس زمانے کے محبین کے درمیان رکھ کے کہا کہ جو بھی اربعین کے دن اس کی تلاوت کرے گا اور مولا امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے لیے جائے گا, اس کے اجر اس میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. اب اس اربعین کے زیارت کے اندر میرے لیے مہم یہ ہے کہ اربعین کے ایام میں صرف یہاں سے جا کے آج کل کے رسومات کے مطابق جو بہت ہی عظمت کے ساتھ منایا جاتا ہے, نجف سے لے کے کربلا تک پیادہ روی کریں. خدا نے خواستہ اس پیادہ روی کے اندر اگر خلوص بھی نہ ہو تو شاید ہمارے قدموں کے چھالے جو ہیں نا کوئی کام کے نہیں رہ جائیں. لیکن اس کے متن کے اندر ایک جملے کے اندر اگر ہم دقت کریں اور مولا امام صادق نے جو ارادہ کیا ہے اس کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی عمل کرنے کی کوشش کرے تو شاید پروردگار عالم اس کے اوپر اور بھی زیادہ ہمیں ثواب دے سکتا ہے. کئی نقطوں پر اس زیارت اربعین کی
ऊपर बहस की जाती है, उनमें से मुहिम तरीन जो नुक्ते हैं वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़लूमियत और उनके असहाब अलैहिस्सलाम के मज़लूमियत, जिस मज़लूमियत से शहादत के दर्जे पर फाइज हो गए, वो वाला नुक्ता है, उस मज़लूमियत का बयान है। और इसी के मुकाबले में इस मज़लूमियत के बाद वो शकावत और खबासत जो लश्कर दुश्मन के अंदर मौजूद थी मौला इमाम हुसैन के मुकाबले में, उस नुक्ते के ऊपर हमें गौर करना है। वो नुक्ता जिसके जरिए से मौला इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी मज़लूमियत को अपने ऊपर इजाजत दे दी, सह लिया, और वो खबासत उस लश्कर के जो अंदर जो मौजूद थी उसके अंदर हमारे लिए सबक मौजूद है, पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये फरहंग की शक्ल में मैं और आपके दरमियान अरबईन को जो मनाने का फरहंग रस्म बन गया है, इसके अंदर भी बहुत बड़ा जो है ना नुक्ता हमारे लिए मौजूद है, वो ये कि तस्बीत मकाम इमाम हुसैन व अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो मकाम व अजमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि रिवायत के अंदर मौजूद है ना, इमाम हुसैन के लिए मोमिनीन के कुलूब के अंदर एक हरारत है जो अबदन खामोश नहीं हो सकती है। इस हरारत को देखना चाहे तो जाके उसका नज़ारा उस अरबईन के मशी के अंदर हम और आप कर सकते हैं। काश कि इस साल हम इससे महरूम रहे हैं, लेकिन परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि इस महफिल से भी, इस महफिल के अंदर बैठ के भी उस मशी के कदमों के सवाब हमारे लिए करार दे दे। और एक नुक्ता जिसके अंदर अरबईन के ये जो जियारत है इसके पढ़ने के साथ हम उसके ऊपर गौर कर सकते हैं, रूह शहादत और जिहाद है, रूह शहादत और जिहाद में और आपके दरमियान उसकी अहमियत इस रिवायत के मतन, इस जियारत के मतन पढ़ते हुए हम इसको समझ सकते हैं कि परवरदिगार आलम के नज़दीक मुकर्रब दीन की अहमियत इतनी है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मस्तूरात के ऊपर जो जुल्म हुआ वो भी इस दीन के सामने इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, अपनी जगह अहमियत है, लेकिन जितनी दीन की अहमियत है जो मौला एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके मुकाबले में खड़े होकर अंजाम दिया, मैं और आपके लिए सबक भी यही है कि हम दुनिया के हर हर नुक्ते के अंदर सियासी हो, इल्मी हो, निजामी हो, इक्तिसादी हो, अपने जिंदगी के रोजमर्रा हर हर नुक्ते के अंदर इसको पियादा कर सकते हैं। शायद इसका हक अदा हो जाएगा कि अरबईन के मशी हम नजब से करबला तक कम से कम 3 से 4 दिन चलते रहते हैं। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। दीन हक कुर्बानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारे नबी ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अना मिनल हुसैन का मिज़दाक इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बने हैं। आजकल के ज़माने में अना मिनल हुसैन की तफसीर साइंसदानों से पूछा जाए तो मैं और आपको DNA की तरफ हिदायत कर सकते हैं। शायद कि ऐसा हो सकता है कि रसूल ने इसलिए कहा था कि रसूल का DNA और इमाम हुसैन का DNA एक हो सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन ये करबला से हमें पता चलता है कि रसूल का जो असली मकसद था, रसूल का जो मिशन था, वो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन है। रसूल, अगर रसूल का वो मकसद बाकी नहीं रहता तो शायद कि वो रसूल जिनकी जात अक्दस जो है क़यामत तक बरकरार रही है उसका की सबब जो है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करार पर आए, जिसकी वजह से रसूल खुदा ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। उसके अलावा बस मैं आखिरी चंद कलिमों के जरिए से आपकी ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ। अरबईन के
उस ज़ियारत के अंदर हमें एक बेहतरीन नुक्ता ये मिलता है कि हम उसको पढ़ते पढ़ते एक ऐसे तजदीद अहद करते हैं जो उस करबला के ज़माने से अब तक मोमिनीन दोहराते रहते हैं, और उसी तजदीद अहद का मरहून मिन्नत है कि आज तक दीन पैगंबर दुनिया में कायम है। अल्लाहुम्मा इन्नी उश्क इन्नी वलीयुन लिमन वाला वअदुवुन लिमन आदा वन्नुसरती लकुम मुअद्दा फमाअकुम माअकुम ला मा अदुवुकुम। ये अल्फाज हैं ज़ियारत के। हम हमेशा तजदीद अहद करते रहते हैं, जब भी ज़ियारत की तिलावत करते हैं ज़ोर लगा के कहते हैं, परवरदिगारा मैं शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ कि इन्नी वलीयुन लिमन वाला, मैं उस शख्स को दोस्त रखता हूँ जिसको वो दोस्त रखते थे, उस सख्त शख्स को दुश्मन रखता हूँ जिसको वो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम दुश्मन रखते थे। वन्नुसरती मुअद्दा, बुजुर्गान असातीद के महजर में जसारत ना हो, मुअद्दा की तफसीर अगर करें तो शायद लंबा हो जाएगा, फकत इतना बता दूं, मुअद्दा उस चीज को कहा जाता है जो बेहतरीन तौर पे सजा किया जाए। देखिए अरबी अल्फाज के अंदर बहुत ही बुलंद बलागत मौजूद है। मुअद्दा यानी अगर आपसे कहा जाए दस्तरखान आमादा है, अरबी में मुअद्दा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सजा के अभी ही दस्त पे रख के जो आमादा करते हैं उसको मुअद्दा कहा जाता है। मैं और आप तजदीद अहद करते हैं कि परवरदिगारा मैं अपनी जान को, अपने माल को, अपनी हर हर अमल को ऐसे कि अभी ही इस्तेमाल होने वाला है इस तरह मुहैया करके आपके मदद के लिए आमादा हूं। यह तजदीद अहद करते हैं हम इस ज़ियारत के अंदर। अय्याम अरबईन है जैसा कि बयान हुआ, यह अय्याम अगर रिवायात के रूप से देखा जाए अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम आसारत से आज़ाद होके मदीने की तरफ रवाना होना, या फिर दूसरी रिवायत के मुताबिक मदीना पहुंचने के अय्याम हैं। सिर्फ तारीख़ी नुकात के बुनियाद पर चंद जुमले आपके महजर में बयान करना चाहता हूँ। अलबत्ता आप ख़ुद महजर हैं, मुस्तहजर हैं, बसारत कल्ब को रवाना करे मदीने की तरफ या करबला की तरफ। एक इंसान जब कभी किसी सफ़र से वापस लौटते हैं तो फ़कत ख़ुद नहीं लौटते हैं बल्कि अपने अजीज़ों के लिए कुछ तोहफ़े तहाइफ़ भी ले के लौटते हैं। अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम का काफ़िला जब मदीना पहुंचा तो उनकी क्या सूरत हाल थी, जिसको अहले बैत पाक के हर घर के मस्तूरात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाज में बयान किए हैं। हज़रत उम्म कुलसुमा ने बहुत अच्छे आशार कहे हैं, ख़ुद मुस्तहज़र हैं। फ़कत आपके क़ुलूब को उनकी तरफ माइल करना चाहता हूँ कि आपके दिल में उसकी याद आ जाए। मदीना तो जद दिना ला तकबलीना, हज़रत उम्म कुलसुमा ए मेरे जद का शहर मुझे कबूल ना किया करे। क्यों कबूल ना किया करे? कोई अपने घर में आए तो मना किया जाता है? नहीं, बल्कि इसके अंदर इल्लत थी। मौला इमाम हुसैन बाब मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बाब मदीने से बाहर पड़ाव लगा देते हैं, लगाने के बाद बशीर को कहते हैं, बशीर तेरा बाबा शायर थे, क्या आपको भी शेर पढ़ना आता है? बशीर कहता है मुझे भी अपने बाबा से शेर कहना, मैंने भी याद किया है। तो बस क्यों नहीं जाते हो मेरे वरूद से पहले पहले
पैगंबर के उस मनारे पे चढ़ के कहें वो मजलूम सज्जाद अपने बाबा को करबला के मक्तल में खोने के बाद मदीने के शहर में दाखिल होना चाहता है। मौला इमाम सज्जाद के कहने पर बशीर मदीना पहुंच गए। मीनारे पैगंबर पे जाने के बाद क्या कहा? सबसे पहला जो जुमला कहा मदीने के मीनारे से, कहा या अहले यसरिब ला मकाम लकुम, ए यसरिब के लोग, बस आपके लिए कोई मंजिलत बाकी नहीं रही है। कुतिल हुसैन बिकरबला, हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में कत्ल हो गए। इतनी सी आवाज जब गूंजी मदीने के कोचों में तो सब लोग उमड़ के मदीने के बाब की तरफ, दरवाजे की तरफ भागने लगे। रावी कहता है इस हुजूम के अंदर एक ज़ईफ़ा निकल गई, वफादारी है अहले बैत पाक। आप अहले बैत पाक के अंदर भी वो जो औलाद हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से थे उनके लिए दूसरों का की क्या वफादारी थी, उसको जरा तारीख के अवराक से आपके लिए बयान करना चाहता हूँ। मसाइब अपनी जगह, लेकिन सबक आमोजी अहमियत तर है मसाइब। एक ज़ईफ़ा, रावी कहता है दोनों अतराफ में दो मासूमों को अपने साथ हाथ में लेके आ रही है। दोनों के हाथों में दो तरह के जोड़े लिबास रखे हुए थे, एक लिबास ताजा लिबास और दूसरा लिबास काला और पुराना लिबास था। वो ज़ईफ़ा लोगों के सरों से फलांगते हुए जब बशीर के पास पहुंच गई और पहला सवाल क्या किया है, बशीर मनारे पैगंबर पे बुलाने वाला बंदा आप ही थे? बशीर ने कहा जी हाँ मैं था। तो बशीर से सवाल किया, ए हाजा आया मेरा बेटा हुसैन पलटा गए हैं या नहीं? बशीर कहता है मैं समझ गया कि ये अम्मुल बनीन है। बशीर कहता है मैंने अर्ज किया, ए अम्मुल बनीन खुदा तुम्हें सब्र करे, तेरे चारों बेटे इमाम हुसैन से पहले शहीद हो गए। कहा ए बशीर मैं उसे बारे में पूछता हूँ। बशीर कहता है अब्बा दोनों कलम हो गए। उम्मुल बनीन इरशाद फरमाती है मैंने अब्बास को पारा इसीलिए था कि हुसैन के सामने कुर्बानी पेश करूं। लेकिन बशीर से दोबारा सवाल करती है आए हुसैन पलट आए? कहता है नहीं है। इस खातून हुसैन भी करबला में बेगूर कफन कत्ल हुए हैं। एक मरतबा इतने कहना था कि उम्मुल बनीन जमीन पे पड़ जाती है। आजादारों ये वफादारी उम्मुल बनीन से सीख चुके थे। दो कलमे हजरत अब्बास आलमदार की वफादारी का बता दूं और आपके जहमत को तमाम करूं। मौला हजरत अब्बास, रावी कहता है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर इतमाम हुज्जत करते थे तो हजरत अब्बास आखिर में बैठे हुए थे। एक मरतबा इतमाम हुज्जत के आखिरी कलिमा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास आलमदार की तरफ मुड़ के कहा, ए कमर बनी हाशिम इन लोगों की दुश्मनी तो मेरे से, आप क्यों इन अहले बैत पाक के मजदूरात को लेके मदीना नहीं चले जाते? एक मर्तबा गैरत के कान मौला अब्बास अपने जगह से खड़े होते हैं, खिमगा से बाहर चले जाते हैं। रावी कहते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास को छोड़ के अली अकबर की तरफ मुड़ के कहता है, ए शहजादा अली अकबर जाए अपने चचा को देखे कहाँ जाना चाहते हैं? एक मरतबा हजरत अली अकबर जाते हैं खेमे से बाहर, देखा हजरत अब्बास आलमदार मदीने की तरफ रुक के कदम बढ़ा रहे। हजरत अली अकबर पूछते हैं चचा कहाँ जाना चाहते हो? अब्बास आलमदार कहते हैं जब 21वीं रात को मेरे बाबा ने इमाम मेरे मौला के हाथ में हाथ देकर कहा था करबला के अंदर मैं तो नहीं हूंगा लेकिन मेरे शहजादा हुसैन की मदद करोगे, लेकिन मेरे भाई आज कहते हैं कि उनको तनहा चले जाऊं। एक मरतबा हजरत अब्बास
अब्बास अलमदार जब गए ना मक्तल में, वापस पलटे पानी भरा, लेकिन जब आते आते दोनों का शाने कलम हो गए। सकीना का मशीजा जब छिड़ा, मौला अब्बास के कैरत ने इजाजत नहीं दी कि खेमागा चले जाए, बल्कि मौला अब्बास अपने आप से कहने लगे, ए अब्बास अभी आपका कोई मकाम नहीं कि मदीना चले खेमागा चले जाओगे, बल्कि दोबारा मुड़ गए फुरात की तरफ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरहाने पे पहुंच गए तो ये आखिरी जुमला जो हजरत अब्बास ने कहा, ए मेरे मौला मेरा जसद भी खेमागा ना ले जाना, मैं सकीना से शर्मिंदा हूं कि मैं उनको पानी नहीं पहुंचा सका। अल्लाह लानतुल्लाह अला अल क़ौम अज़्ज़ालिमीन।